ये देखिए आप, मुंह में पूरा घुल जाने वाला एकदम रसीला बनता है ये सूजी का हलवा। और मेरे चटरों कैसे हो आप? सूजी के दाने को हम लोग पूरा ब्लूम कर देंगे, मतलब दाने एकदम डबल से ज़्यादा फूल जाते हैं। ये तरीके से आप सूजी का हलवा ज़रूर से बनाइएगा। तरीका बहुत आसान है, आपके साथ इसका डिटेल में रेशियो भी शेयर करूँगा कि घर में आप कैसे माप करके बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो कढ़ाई टिकाते हैं मीडियम गैस में और हम लोग इसमें डालेंगे घी। घी बिल्कुल भी ऐसे यूज़ मत करिए दोस्तों, इसको पिघला कर मेजर करना है वरना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो कोई भी एक कप या फिर कटोरी से आप इसे मेजर करिए, एक पार्ट हम लोग को घी लेना है। पिघाल कर मेजर कर कर मैंने ये कढ़ाई में डाल दिया। सेम कप से सेम क्वांटिटी हम लोग को सूजी लेनी है। ये भुनी हुई सूजी नहीं है, नॉर्मल सूजी है, वही कप से मैंने मेजर करके डाल दी। अपनी गैस अभी लो रहेगी, मैंने लो कर दी है। अच्छे से इसको रोस्ट करना है, तो चलाते रहेंगे। अभी के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा है। फटाफट साइड में मैंने एक सॉस पैन टिकाया है, इसमें हम लोग दो गुनी मतलब दो पार्ट यहाँ पर मैं चीनी ले रहा हूँ। ज़्यादा नहीं रहेगी दोस्तों, अपनी सूजी को हम लोग पूरा सैचुरेट कर देंगे, मतलब पानी से वो पूरी फूल जाएगी तो मीठापन बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। दो पार्ट चीनी के साथ ही मैं यहाँ पर पानी डाल रहा हूँ, चार गुना। मतलब मैंने एक कटोरी सूजी ली थी तो अभी मैं यहाँ पर चार कटोरी पानी डाल रहा हूँ। हाँ दोस्तों, सारा मैजिक इसमें पानी की क्वांटिटी में ही है। अगर आपको हलवा अगले दिन खाना है तो आप पाँच गुना पानी भी ले सकते हो। अब ये जो पानी और चीनी है इसमें वो उबाल लेकर आना है, हम लोग को कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। कुछ और चीज़ें भी इसमें डाल देते हैं। मैंने ये चार पीस बादाम काट कर डाले हैं। इसी के साथ में एक बड़ा चम्मच के आसपास चिरौंजी। सूजी के हलवे में चिरौंजी मस्त लगती है। और फ्लेवर के लिए, कलर के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें केसर के धागे भी डाले हैं। जैसे मैंने बोला, इसकी चाशनी नहीं बनानी है, ये उबलता रहेगा, तब तक हम लोग सूजी का ध्यान रखते हैं। सूजी दीदी का पूरा ध्यान रखते हैं, मतलब इसको आपको लो हीट में चलाते हुए रोस्ट करना है। 11 से 12 मिनट आराम से लग जाएगी गोल्डन कलर आने में। पूरी 5 मिनट हो गई है दोस्तों लो फ्लेम में, मैं इसको लगातार चलाते हुए कुक कर रहा हूँ। इसमें तो कलर आया नहीं, अपनी चाशनी में जो चीनी है ना वो घुल गई है, तो उसकी गैस को बंद कर देते हैं। इसको ठंडा नहीं होने देना है, आप चाहो तो एकदम लो हीट में भी इसको रख सकते हो। हम लोग को वैसे सूजी का जो भी मॉइस्चर है ना, उसको अगर कम नहीं करेंगे लगातार चलाकर लो हीट में भून कर, तो वो टेक्सचर नहीं आएगा जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अभी इसमें 7 मिनट हो गई है मैं इसको लगातार चला रहा हूँ। अब इसमें शांति आने लग गई है, थोड़ी फ्लेम को मीडियम कर लेता हूँ ताकि इसमें हीट आ जाए और ये रोस्ट हो। सारा खेल पेशेंस का ही है दोस्तों। 11 मिनट पूरी हो गई है, इसमें लाइट कलर आने लग चुका है, गोल्डन वाला कलर मस्त लग रहा है। अभी मैं फ्लेम को हाई कर रहा हूँ और ये दो इलायची का पाउडर है, ये डालकर हाई फ्लेम पर हम लोग चाशनी डाल देंगे। यहाँ तक तो आपको प्रोसेस नॉर्मली लग रहा होगा। एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि जो भी कढ़ाई में साइड में चिपकी हुई सूजी है वो मिक्स हो जाए। उसके बाद हम लोग ढक्कन लगा देंगे और लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। सारा मैजिक यही स्टेप में होता है। 5 मिनट कम से कम इसको ऐसे कुक करना है दोस्तों। इसमें अपनी सूजी जो है ना वो चाशनी के साथ उबलेगी और इतनी गर्म होती है ना, तो जैसे हम लोग के जलेबी के वीडियो में स्टीम ट्रांसफ़र होता है ना, वैसे ही इसमें भी प्रोसेस होगा। सूजी के दाने सारी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर उसकी जो साइज़ है ना वो भी डबल से ज़्यादा हो जाती है। अपने हलवे में बिल्कुल भी ड्राइनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी अगर आप इसको अगले दिन भी खाओ तो। एकदम रुई जैसा नरम रसीला टेस्ट आपको इसमें मिलेगा। मैंने इसको 3 मिनट पका लिया है ढक्कन लगाकर। ढक्कन लगाने से दम वाला फीलिंग भी आता है, अपने ही हीट में सिकता है और इसका जो मॉइस्चर है ना वो उड़ता नहीं है। चलो बातें काफ़ी हो गई है, इसमें अभी पानी पानी लग रहा है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर से ढक्कन लगाकर हम लोग इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट और। मतलब आपको ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 5 मिनट तो कम से कम इसको कुक करना है। चलो दोस्तों, मैंने इसको 6 मिनट पका लिया है पूरा लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर। अब मैं ढक्कन हटाकर इसको चला रहा हूँ और फ्लेम को मीडियम कर रहा हूँ। इसको पकाएंगे जब तक ये तला छोड़ना स्टार्ट ना कर दे, लगेगी उसमें भी 4-5 मिनट तक। सारा मैजिक वैसे यही स्टेप में है। नॉर्मल रेसिपीज़ में क्या करते हैं हम लोग है ना, पानी डाल देते हैं सूजी के हलवे में और फिर हाई फ्लेम पर उसको चलाते हैं, पानी फटाफट उड़ जाता है यार, और फिर सूजी जो है ना वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है। ये प्रोसेस से आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल भी ड्राइनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। ये स्टेप में वैसे आप जितना मॉइस्चर रिटेन करवाओ ना उतना बेटर रहेगा, मतलब आप चाहो तो अभी भी इसमें ढक्कन लगा कर रख सकते हो और बेटर रहता है।
मैंने पानी डालने के बाद अभी इसको पूरा 9 मिनट तक पका चुका हूँ। ये टेक्सचर बिल्कुल सही है, कढ़ाई से भी ये हलवा स्लिप कर रहा है, आप देख सकते हो। अपना सूजी का शीरा बिल्कुल रेडी है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा आपको गीला लग रहा होगा, लेकिन 8 से 10 मिनट बाद इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाएगी। गैस को अभी बंद कर देंगे। अभी तो उबलता हुआ गर्म है यार, 8 से 10 मिनट में ये सेट हो जाएगा और फिर परफेक्ट हो जाता है। ये देखिए एकदम सबड़ सबड़, अभी खाने का मन कर रहा है ना अपना, एकदम माउथ वाटरिंग लग रहा है ये सूजी का शीरा। इसमें घी भी सेपरेट होने लग चुका है जैसे होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल क्वांटिटी में आप देख सकते हो। अब इसको फटाफट गर्मा गर्म सर्व करते हैं। देखिए कितना रसीला लग रहा है, देखने में ही इतना आरामदायक लग रहा है ना। हम लोग जब ये प्रोसेस से बनाकर खाते हैं ना सूजी का हलवा, तो जब खाते हैं मुंह में गायब हो जाता है यार, एकदम मेल्ट इन माउथ वाला टेक्सचर है, तो ट्राई करना, ज़रूर से बनता है। तो बताइए कब प्लान है, कैसी लगी रेसिपी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक बटन, लेकिन ट्राई ज़रूर से करना। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, एक बार बनाने के बाद आपको ये बारी बार बनाकर खाने का मन करेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, ऐसी और कौन सी टाइप की रेसिपीज़ देखनी है ज़रूर से बताइएगा। बाय बाय।